झूठे अपहरण की सूचना देने वाले पति सहित चार गिरफ्तार। थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम एवं सर्विलांस व साइबर थाने की संयुक्त टीम द्वारा स्वयं का अपहरण कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने तथा फिरौती ना मिलने पर हत्या कर देने की झूठी सूचना देने वाले मनोज कुमार को मिकुर की सूचना पर जंगल में बने छोटे से मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। मनोज की पत्नी कमलेश ने 25 जून को थाने पर तहरीर देकर अवगत कराया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके पति का अहमदाबाद में अपहरण कर लिया गया है। एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने जानकारी देते हुए यह बताया। देखिए, ये स्वयं का जो किडनैपिंग की एक आपराधिक षड्यंत्र रचने का जो एक चार लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, उन्हीं लोगों को आज जो है अरेस्ट किया गया है और उनको अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें मामला ये था कि एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसका पति जो है उनको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उनसे फिरौती के रूप में 30 लाख रुपए की जो है रकम मांगी गई है। इसके बाद जो है जब उनके द्वारा इस घटनास्थल को जो है अहमदाबाद जो है बताया गया था कि अहमदाबाद से जो है उनका पति जो है किडनैप किया गया है, उसकी जब उसकी विवेचना और FIR दर्ज करने के बाद उसकी विवेचना जब शुरू की गई, उसमें ये पता चला कि ये जो व्यक्ति जो मनोज है जिनकी पत्नी के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया था, इसके द्वारा जो है एक कंपनी बनाई गई थी 2018 में और उस कंपनी के माध्यम से इनके द्वारा जो पब्लिक से लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठे किए गए थे। इनके साथी जो है कई सारे थे जिसमें भगवान दास हैं, इनकी पत्नी जो है खुद भी उसमें डायरेक्टर रही हैं और इन लोगों के द्वारा कंपनी बना करके लोगों के साथ फ्रॉड किया गया था और इनके ऊपर जो है पब्लिक जिनका पैसा जो है इन लोगों के द्वारा गबन किया गया था उसके लिए इनके द्वारा कोतवाली और तालभेट में मुकदमे भी लिखे गए थे और एक मामले में इनके घर की कुर्की जो है का भी विरासी का आदेश जो है वो भी हुआ था। फिर जो जो वादिया हैं उनके पति और उनके दोस्तों के द्वारा यह एक आपराधिक षड्यंत्र रचा गया कि यदि हम अपने किडनैपिंग की सूचना जो है वो दे देते हैं अपने परिवारजनों को तो उनके माध्यम से हमको पैसा जो है वो मिल सकता है और इस पैसे का हम लोग जो पब्लिक से हम लोगों ने पैसा लिया है उसको हम लोग वापस कर सकते हैं। इसी के लिए इनके द्वारा लगातार अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया गया कि उनका किडनैपिंग किया गया है। साथ ही इसके पहले इनके द्वारा अपने अपनी मम्मी को और अपने भाई से भी पैसे की मांग की गई थी तो उनके द्वारा मना कर दिया गया था कि हम लोग आपको पैसा नहीं देंगे। इनको इनके द्वारा जो अपने पत्नी के नाम पे और अपने कंपनी के नाम पे जो ज़मीनें खरीदी गई थी उसके संदर्भ में इनका ये था कि उसी ज़मीन को पत्नी के द्वारा बेच दिया जाएगा और उससे जो पैसा मिलेगा तो उसको हम लोग वापस कर देंगे। इसी के लिए पूरा एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो रचा गया था। इसमें जो है एक मनोज कुमार, भगवान दास, मंगल और हिम्मत सिंह, इन चारों को अरेस्ट किया गया है और इनको अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय में जो है वो भेजा गया है। साथ ही इस तरीके का कोई भी कार्य करने वाले जो भी गिरोह के सदस्य हैं जो कि पब्लिक का पैसा जो है फर्जी कंपनी बना करके इकट्ठा करते हैं और फिर उसका जो है गबन कर लेते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं और जो भी लोग इस तरीके का कार्य करते हैं उनके खिलाफ हम लोग कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे, गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और उनकी जो भी इस तरीके से अपराध से अर्जित जो संपत्ति है उसको भी हम लोग कुर्क करेंगे और इसमें भी जो इस तरीके का कार्य किया गया है हम लोग इसमें गैंगस्टर और आगे जो है उसकी कुर्की जैसी कार्रवाइयों को भी हम लोग करेंगे ताकि इस तरीके का कार्य जो है कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो ना कर सके। सर, जिलाधिकारी आवास के यहाँ पर जो इसकी पत्नी ने जो नाटकीय किया था तो क्या वो षड्यंत्र था पूरा की सर? देखिए, इसमें जो है पति के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा ही अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें पता चला है कि इनके साथियों का ही मेन भूमिका रहा है। इसमें इनकी पत्नी को इस बात की अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पता चला है कि इनको जानकारी नहीं थी कि इनके पति का के द्वारा खुद ही अपनी किडनैपिंग का षड्यंत्र जो है वो रचा गया है। फिर भी अभी चूंकि विवेचना जो है अभी इनिशियल स्टेज में है, हम लोग इसकी जाँच जो है वो कर रहे हैं और जो भी इस तरीके का कार्य करते हैं जो अपने स्वयं का अपहरण का षड्यंत्र रचने वाले जो भी लोग हैं उनको हम लोग उन्हीं धाराओं में ही जो है उनको जेल जो है वो भेज रहे हैं ताकि इस तरीके का कार्य जो है कोई दूसरा व्यक्ति ना सोच सके। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जसवंत टेलीकॉम। हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।